नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि पहले इसकी कार्यवाही 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक के लिए प्रस्तावित थी। बुधवार तक लोकसभा की उत्पादकता दर 97% और राज्यसभा की 100% थी। चीन सहित कई देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने देश में नेजल वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह बूस्टर खुराक के तौर पर लगाई जा सकेगी। नेजल वैक्सीन पहले निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भारतीय सेना ने अपने सभी जवानों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत सभी लक्षण वाले जवानों को ही कोरोना जांच की जाएगी और पॉजिटिव पाए जाने पर 7 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। सिक्किम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के 16 जवान शहीद हो गए। घटना जेमा उत्तरी सिक्किम में हुई, जब चटन से थंग की ओर जा रहे 3 वाहनों में से एक वाहन तीखे मोड़ पर एक खड़ी ढलान पर फिसल गया। फिसलने के बाद सेना का ट्रक खाई में जा गिरा। पृथ्वी विज्ञान मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राम सेतु होने के अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि भारतीय सैटेलाइटों ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले राम सेतु वाले इलाके की तस्वीरें ली हैं, लेकिन इन तस्वीरों से सीधे तौर पर राम सेतु की उत्पत्ति और वो कितना पुराना है इससे संबंधित कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय पीटी की पहली पाली में आयोजित हो रही परीक्षा का पर्चा आउट हो गया। इसकी पुष्टि होते ही आयोग के दफ्तर पहुँच परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। परीक्षा के रद्द होने के आसार हैं। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय दिल्ली की मेयर पद की उम्मीदवार होंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर आज हुई पीएसी की बैठक के बाद यह घोषणा की गई। मटिया महल से पार्षद आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार चुना गया है। तमिलनाडु की भाजपा उपाध्यक्ष शशिकला पुष्पा ने स्टालिन सरकार के मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि डीएमके मंत्री गीता जीवन ने कुछ उपद्रवियों और 2 पार्षदों को भेजकर उनके घर और कार में तोड़फोड़ की, साथ ही उल्टा उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बंदूकधारी ने खुलेआम फायरिंग की, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। गोलीबारी की यह घटना सेंट्रल पेरिस के एक कुर्द सांस्कृतिक केंद्र के करीब हुई। पुलिस ने 69 वर्षीय संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया। ढाका में हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने बांग्लादेश पर 80 रनों की बढ़त बना ली है। भारत ने 86.3 ओवरों में कुल 314 रन बनाए। इससे पहले बांग्लादेश ने 227 रन बनाए थे। दूसरी पारी में बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट गंवाए 7 रन बना लिए हैं।